नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। जी हाँ, रीट भर्ती 2022, आखिर इसका रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है, क्या कारण है, कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है, इसके अलावा संस्कृत विषय की सबसे सटीक अनुमानित कट ऑफ जो कि विभिन्न कोचिंग क्लासेस के महासर्वे और एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आप सभी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज और दैनिक समाचार, यह सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको संस्कृत विषय की सबसे सटीक अनुमानित कट ऑफ एक्सपर्ट्स और कोचिंग क्लासेज के महासर्वे के आधार पर। कट ऑफ की जानकारी बताने के लिए, जी हाँ, आप हमारे इस लाइव जो वीडियो में हैं, जो कि पहली बार आपके सामने लाइव है, अंत तक बने रहे हैं। इसके अलावा सबसे पहले बात कर लें कि इसमें कितनी पोस्टें थी संस्कृत विषय की और कितने आवेदन आए थे, और एवरेज, जी हाँ, औसत एक पोस्ट पर कितने कैंडिडेट्स जो कि इस टक्कर में थे, इनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में आपको कैटेगरी वाई जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी दी जाएगी। रीट भर्ती 2022 ऑफिशियल आंसर की के बाद में जो ये कट ऑफ मार्क्स इतने रह सकते हैं उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। जी हाँ, यदि पदों की बात करें संस्कृत विषय के, तो लगभग 1808 इसमें पोस्टें थी, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों। इसके अलावा इसमें 63,031, जी हाँ, टोटल 63,031 कैंडिडेट्स ने यह एग्जाम दी थी संस्कृत विषय की, जी हाँ, रीट लेवल सेकंड में। यदि एवरेज, जी हाँ, औसत अगर निकालते हैं तो एक पोस्ट के लिए लगभग 34 से 35 जो है कैंडिडेट्स टक्कर में थे संस्कृत विषय में। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो में रीट भर्ती का रिजल्ट आखिर कब तक आ जाएगा, क्यों लेट हो रहा है, जो कि पहले अप्रैल माह में आने की पूरी पूरी संभावना थी, आखिर आगे क्यों बढ़ रहा है, लेट क्यों हो रहा है, कितनी आपत्तियां दर्ज हुई थी, इन सभी टॉपिक्स पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, आपको जो है इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कट ऑफ की जानकारी बताने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस चैनल पर आप जो है शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी प्रकार की न्यूज, रिजल्ट्स, आंसर कीज, आगामी भर्तियों की घोषणा, विभागीय आदेश, यह सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए संस्कृत विषय की सबसे सटीक अनुमानित कट ऑफ की जानकारी के लिए। रीट रिजल्ट से पहले एक अंतिम विश्लेषण। सबसे पहले अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, जी हाँ, संस्कृत विषय के जो कट ऑफ मार्क्स है, तो लगभग 210 से 215 यदि नंबर्स आपके बन रहे हैं, जी हाँ, जनरल कैटेगरी में 210 से 215 के बीच में यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है संस्कृत विषय के लिए रीट लेवल सेकेंड में, बिल्कुल आपका इसके तहत सेलेक्शन हो सकता है। आगे बात करें ओबीसी कैटेगरी की, जी हाँ, संस्कृत विषय में ओबीसी कैटेगरी में यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो है इसके तहत सेलेक्शन हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो यदि आपके 205 से 210 नंबर, जी हाँ, 205 से 210 नंबर के बीच में बन रहे हैं, जो ऑफिशियल आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई थी उसके बाद में, तो बिल्कुल आप कट ऑफ के रेस में शामिल हो, आपका इसके तहत सेलेक्शन हो सकता है। ले चलते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जी हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो यदि आपके 200 से 205 नंबर, जी हाँ, 200 से 205 नंबर के बीच में यदि आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के बाद, तो बिल्कुल आपका इसके तहत सेलेक्शन हो सकता है। ले चलते हैं अब अगली कैटेगरी एमबीसी कैटेगरी की ओर, जी हाँ, यदि आपके एमबीसी कैटेगरी में ऑफिशियल आंसर की के बाद संस्कृत विषय रीट लेवल सेकंड में
यदि 195 से 200 नंबर है, जी हाँ 195 से 200 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप कट ऑफ की रेस में शामिल हो। आगे ले चलते हैं अगली कैटेगरी एससी कैटेगरी की ओर। जी हाँ, यदि आपके एससी कैटेगरी में ऑफिशियल आंसर की, जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग काट करके, जी हाँ 190 से 195, जी हाँ 190 से 195 नंबर के बीच यदि बन रहे हैं तो बिल्कुल आप कट ऑफ के रेस में शामिल हो रीट भर्ती 2022। जी हाँ, संस्कृत विषय की एक्सपेक्टेड कट ऑफ विभिन्न कोचिंग क्लासेज और एक्सपर्ट के माध्यम से आपको बताई जा रही है। एक अंतिम विश्लेषण रिजल्ट से पहले। आगे बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में यदि आपके 185 से 190, जी हाँ 185 से 190 नंबर यदि बन रहे हैं तो बिल्कुल आप कट ऑफ की रेस में शामिल हो, आपका रीट लेवल सेकंड संस्कृत विषय से सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों ये तो आपको बताई गई संस्कृत विषय की रीट लेवल सेकंड की सबसे सटीक अनुमानित कट ऑफ विभिन्न कोचिंग क्लासेज और विभिन्न एक्सपर्ट के महासर्वे के आधार पर। अब चर्चा करेंगे कि रीट भर्ती का आखिर रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है, इस टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताई गई है, बिल्कुल आप इसको ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स नहीं माने। दोस्तों जैसा कि आपको पता हो 2018 में जो रीट भर्ती निकली थी, जी हाँ लगभग 56,000 पोस्टों पर, उसमें संस्कृत की पोस्टें पिछली तुलना में अब की बार बहुत ज़्यादा है। यह लगभग पहले 796 इतनी पोस्टें थी और कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा थे, जबकि अब की बार 1808 पोस्टें, जो कि पिछली तुलना में बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट्स पहले की तुलना में बहुत कम है संस्कृत के। और आपको बता दें दोस्तों, पहले संस्कृत की जो इतनी सी पोस्टें थी 796 जो आपको बताई जा रही है, उसमें जो मेन कट ऑफ मार्क्स पहली बार जो निकली थी विभाग की ओर से, और पहले आपको पता हो दोस्तों 70:30, जी हाँ 70:30 का भी अनुपात उस कट ऑफ में रखा गया था, जबकि अब की बार यह नियम है विभाग के द्वारा हटा दिया गया जैसा कि आपको पता होगा। और इसके अलावा मेन कारण है नेगेटिव मार्किंग, जो कि पहले जितनी भी एग्जाम हुई थी उसमें नहीं थी, अब की बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो यह बहुत बड़ा कारण है कट ऑफ कम रहने का। जी हाँ, अब ले चलते हैं आपको कि रीट भर्ती का जो रिजल्ट कब तक आ जाएगा, लेट क्यों हो रहा है, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा के लिए। ये बात करें सबसे पहला मेन टॉपिक, तो ये है कि जो लगभग 3 सप्ताह से, जी हाँ लगभग 3 सप्ताह से कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही है, जी हाँ हड़ताल के कारण जो है रीट भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है, पहला कारण तो यह है। दूसरे कारण की अगर बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद जी शर्मा, उनके बयान के आधार पर और राजस्थान बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, उनके ट्वीट के आधार पर यदि माने तो लगभग 77,000 से अधिक आपत्तियां रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में दर्ज हुई है, जो कि देखा जाए तो बहुत अधिक आपत्तियां दर्ज हुई है आंसर की पर, तो उनका विश्लेषण करने में समय लग पा रहा है विभाग को, इस वजह से इसका रिजल्ट लेट हो रहा है। एक अन्य कारण की बात करें तो एक याचिका के तहत, जी हाँ हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई है, उसके तहत हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से यह जवाब मंगाई कि यदि राजस्थानी भाषा को ही मान्यता दर्ज नहीं है तो रीट भर्ती में राजस्थानी लैंग्वेज के, जी हाँ राजस्थानी भाषा के प्रश्न क्यों दिए गए, यह भी एक कारण है। लेकिन इसमें से मुख्य कारण अगर यदि माने तो जो आपत्तियां दर्ज हुई है उनका भी विश्लेषण नहीं हो पाया है, और दूसरा कारण कर्मचारियों की हड़ताल, ये मुख्य कारण है। अब बात कर लें कि इसका रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, जी हाँ तो इसमें आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, पहले जैसे कि इसकी संभावना थी अप्रैल माह के अंत तक इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, लेकिन अब जैसा कि स्ट्राइक चल रही है कर्मचारियों की और आपत्तियां जो अधिक प्राप्त हुई है, इस वजह से अब इसका जो रिजल्ट है लगभग, जी हाँ मई माह के अंत तक आने की संभावना है। यदि मई माह के अंत तक नहीं आ पाता है
तो जून के प्रथम सप्ताह में पूरी पूरी संभावना है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स और बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के बयान के आधार पर माने तो। जी हाँ, जैसे ही दोस्तों रीट भर्ती 2022 का रिजल्ट आएगा, सबसे पहले आपको हमारे चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने अभी तक रीट लेवल सेकंड इंग्लिश विषय की सबसे सटीक कट ऑफ की जानकारी यदि नहीं देखी है, तो अभी आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब करके उसे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। हमारे चैनल पर उसे संबंधित वीडियो उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताए गए हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे, यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं जो कि विभिन्न कोचिंग क्लासेज और एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको बताई गई है। इससे कट ऑफ ज़्यादा भी रह सकती है तो कट ऑफ कम भी रह सकती है। इसको आप ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स नहीं माने। इसके अलावा यदि आपको कट ऑफ से संबंधित कोई भी सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको अवगत करवाना चाहेंगे कि आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जी हाँ, टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। तो सबसे फास्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, सबसे पहले फास्ट अपडेट वहीं पर दी जाती है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इससे संबंधित आप किसी प्रकार का सुझाव लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक अंतिम निवेदन आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज और दैनिक समाचार, इन सभी के अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल आशीष एजुकेशन समाचार को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो, जी हाँ, हिंदी विषय की सबसे सटीक कट ऑफ की जानकारी के लिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।